लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। होश में हो या भंग चला रखी है? शक्ति मेरा बेटा है, कोई कोल्हापुरी चप्पल नहीं कि जिसने जब चाह अपना पैर घुसेड़ दिया। कहाँ राजा भोज का बेटा, कहाँ गंगू तेली की बहन? सारे गांव में बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही तुम्हें मिला था, और कोई तुम्हारी नजरपुर से नहीं गुजरा? मुनीम जी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर लिया है। अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। शक्ति, जिस वक्त तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, उसी वक्त मैंने सोच लिया था ये तो साला बनने से पहले ही भनोरी पर हाथ उठा रहा है, साला बनने के लायक नहीं है, इसलिए शादी का इरादा मैंने अपने दिल से बाहर निकाल दिया है। शक्ति, मुझसे भूल हो गई, मैंने जज्बात में आकर तुम पर हाथ उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं माफी मांगने आया भाई, मुझे माफ कर दो, मेरी बहन को अपना लो। कैसे मथुरा का पेड़ा बनता जा रहा है, मिठास मिठास में अपनी सारी शर्तें मनवाता जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उस औरत की बेटी को अपनी बहू क्यों बनाऊं जो सारी जिंदगी लोगों के बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, चावल कूटती थी। और रवि बाबू, जो आदमी तुम्हारे बाप के काले करतूत अपनी आंखों से देख चुका है, वही रिश्ता कैसे होने देगा? नारायण दास, अब अगर तुमने मेरे पिताजी का नाम भी लिया तो मैं जबड़े समेत तुम्हारे दांत उखाड़ दूंगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इंसान समझकर रिश्ते की बात की थी, लेकिन वो मेरी भूल थी। शैतान के खून से कभी इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। शक्ति, सबसे बड़ी गलती मेरी बहन की है जो तुझ जैसे बेमुरवत इंसान से दिल लगा बैठी है और रो रो के कह रही है कि मैं शादी करूंगी तो शक्ति से, वरना जान दे दूंगी। उस बेवकूफ लड़की को यह नहीं मालूम कि जान लेना तो इस खानदान का शौक है। कभी नफरत से जान ले लेते हैं और कभी मोहब्बत से जान ले लेते हैं। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आज मैंने ऐसा बढ़िया काम किया है कि आप सुनकर खुशी के मारे अमृतसर हो जाएंगे। किसी को अपनी बेईमानी के जाल में फंसा लिया होगा चिटिया वाले। नहीं, उससे भी बढ़िया काम किया है। आज वो अकड़ा हुआ इंजीनियर मेरे घर आया था, अपनी लाडली बहन के लिए मेरे बेटे का हाथ मांग रहा था। तूने मंजूर कर लिया ना? कैसे मंजूर कर लेता, मैं कोई अलीबाग हूँ? मैंने पेट भर गालियाँ दी, ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि उसके चेहरे से अफ्रीका टपकने लगा। गाड़ी रोको नालायक, बेवकूफ गधे, मुझे अल्फाज नहीं मिलते तुझे गालियां देने के लिए। इतना अच्छा मौका तूने अपने हाथ से गवा दिया, हमें इस मौके की कब से तलाश थी जानता है? फौरन जा, जा और जाकर शादी मंजूर कर। जाके शादी मंजूर कर लो? हाँ, वो शादी मंजूर कर। नहीं नहीं, सुन, इधर आके सुन। ये तुम क्या कह रहे हो शक्ति? तुम पद्मा से शादी करने के लिए तैयार हो? जी हाँ, उस दिन गुस्से में मैंने ना जाने क्या क्या बकवास कर दी। बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं पद्मा को भुला नहीं सकता, किसी और से शादी कर लूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आपसे माफी मांगकर मैं आपकी बहन का हाथ मांगने आया हूं। हो सके तुमने माफ कर दो। नहीं नहीं शक्ति, इसमें माफी की क्या बात है? मेरी बहन का घर बस जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन लेकिन तुम्हारे पिताजी, मैंने उन्हें मना लिया है, वो भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, अंदर आने से घबरा रहे थे, बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े? अरे अरे मुनीम जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, अपनी बदतमीजी के शब्दों ने पैरों में बेड़ियां डालकर यहीं बिठा दिया है। बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा दिल हिंदुस्तान की तरह महान है, पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारे रिश्तेदार बन जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। है? तो फिर 3 दिन में इनका लगन कर दिया जाए। 3 दिन में? हाँ, इसकी कुंडली यही कहती है, वरना 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या 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 सोच रहे हो? कोई बात नहीं, अगर भगवान को यही मंजूर है तो 3 दिन से आप शादी की तैयारी शुरू कर। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा दिल हैदराबाद की तरह आबाद हो गया। चलो बेटा, अपनी किस्मतपुर का सितारा बहुत जोरों पर है। अबे, ये शादी के मुबारक मौके में तेरी आंखों में आंसू,
चल जल्दी से सगुन के दाने फेंक दे, उनका कल्याण हो जाएगा। कहेगा कल्याण, मेरा तो कब्रिस्तान हो गया। और कोई पार्टी होती तो मैं उनसे हरे हरे 25,000 के नोट रखवा लेता। मेरा लड़का मुंह से बिक गया तुम्हारे फायदे के लिए। अबे तू 25,000 की बात कर रहा है, मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा। कितने? 50। तो पहले क्यों नहीं बता, काम का इतने आंसू निकलवा दिए। अबे देख जल्दी से रोना बंद कर दे, एक तो वैसी तेरी शकल खराब है, ऊपर होएगा और मनुष्य लगेगा। नाक पोंछ। अबे क्या कर रहा है बे, चल चावल फेंक, चावल फेंक। नारायण दास अब मजा आएगा। इंजीनियर की बहन तुम्हारे घर में है और इंजीनियर हमारे हाथ में। हम उसे इस रिश्ते की डोर से ऐसे नाच नचाएंगे कठपुतलियों की तरह, हर काम करवाएंगे उससे। अगर उसने इनकार कर दिया तो तुम अपने बेटे से कह के उस पर इतना जुल्म करना कि वो खुद ब खुद घबरा के मान जाए। सरकार, इस एक शादी से आपको कितने फायदे हो रहे हैं? है। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक तो बेटे की गलत जगह शादी करवाई, ऊपर से अपनी प्यारी बहू पर जुल्म भी करना पड़ रहा है। नुकसान भी उठाऊं, पाप भी कमाऊं। चलिए आपके लिए सब मंजूर है, लाइए वो लाख रुपया निकालिए, मैं कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद कर लेता हूं। लाख रुपए? कौन से लाख रुपए में? आपने शादी के मंडप में कहा था ना 1,00,000 रुपया दूंगा। मुझसे झूठ बोलता है, मैंने लाख नहीं बोला था, 50,000 बोले थे। कैसी बात कर रहे हैं, 50,000 में तो मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, बेटे की तो दूर की बात है। क्या है, उस दिन वो शहनाई जोर से बज रही थी ना, आपको ठीक से सुना ही नहीं दिया होगा। नारायण दास, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ। अगर मुझसे हुज्जत करोगे, अगर लाख रुपए दोबारा तुम्हारे मुंह से निकला तो ना नारायण रहेगा ना दास। बिना फाटक की रेलवे लाइन पे लिटा दूंगा। नारायण इस तरफ कट जाएगा, दास उस तरफ कट जाएगा। कैसी बात करते हैं मालिक, दरअसल क्या है कि उम्र का तकाजा है, भरपूर जवानी तो रही नहीं, बुढ़ापा आ गया है और याददाश्त भी कमजोर हो गई है। अब याद आया मुझे, हाँ उस दिन आपने 50,000 ही कहे थे। नहीं, 25,000 कहे थे। देश के नौजवानों से अपील, कृष्णनगर के इस भयंकर जानलेवा तूफानी सैलाब ने बेशुमार इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, गांव के गांव उजाड़ दिए। सरकार ने देश के नौजवानों से अनुरोध किया है कि वो आगे बढ़ें और मौत की मौजों में फंसे हुए अपने उन भाई बहनों की जिंदगियों को बचाएं। भाइयों, करीब के गाँव के सारे हालात आप लोग जान चुके हैं। भारत के शहरी होने के नाते यह हमारा फर्ज होता है कि मुसीबत में फंसे हुए अपने भाई बहनों की जान बचाएं। हम एक एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों से अनाज, रोटी, कपड़ा, दवाइयां मांगेंगे, खुद जाकर सैलाब में फंसे हुओं को बाहर निकालेंगे, बीमारों का इलाज करें और जो मर चुके हैं उनकी लाशों का क्रियाक्रम करें। इसलिए भाइयों, हम सबको वहां जाना होगा। हाँ, जाएंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। कल 7 बजे ठीक हम लोग गाँव के चौपाल पर मिलेंगे, उसके बाद हम अपना सफर शुरू कर देंगे। ओके, ओके। अरे ये क्या, वो सारे नौजवान लड़के कहाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ चलने का वादा किया था? नहीं, हम उन्हें तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजेंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम अपने जवान बच्चों को उस गांव में भेजें जहाँ मौत मुंह फैलाए खड़ी है, लाशों के शहर में जहाँ उनकी बदबू से बीमारियां फैल चुकी हैं? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम अपने बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे? हम अपने बच्चों को मरने के लिए अकेला नहीं भेजेंगे। जाओ, तुम अकेले चले जाओ, जो करना है कर लो, चलो भाई चलो। आसपास के गांव के नौजवानों में रामनगर के इंजीनियर रवि ने अपनी जान पर खेलकर एक दूध मुहे बच्चे को सैलाब के आगोश से। माँ जी, आज आपके बेटे का नाम सारे देश की जुबान पे होगा। हाँ जी, काश मेरे पिताजी और मुनीम जी के दिल में भी गरीबों के लिए ऐसी ही हमदर्दी होती तो आज ये गांव कितना सुखी होता। तेरे बेटे ने तो इस पाप के दौर में कृष्ण का अवतार लेकर आया है। अगर मेरे 100 बेटे होते ना सावित्री,
तो उन्हें तेरे एक बेटे पर कुर्बान कर देती। आज घर घर में रवि का नाम सुनाई दे रहा है। वो एक हफ्ते भर में गांव का मर्द मैदान बन गया है। जब वो लौट कर आएगा तो उसका ऐसा स्वागत होगा, उसका ऐसा स्वागत होगा जैसे कृष्ण महाभारत जीत कर लौटे थे। स्वागत मेरे बदसकल भूषण, जब वो गांव वापस आएगा तो उसकी दुर्गत बनेगी। जब उसे ये मालूम पड़ेगा कि सरकार ने डैम का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले कर दिया है और वो हमारे हाथ के नीचे एक मामूली सा इंजीनियर है, तो फिर उसे ऐसा झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कि वो सर से लेके पैर तक काला हो जाएगा, उसका कलेजा फटके विजय का फटनम हो जाएगा। अब यूं समझ लो कि रवि हमारी इस मुट्ठी में है और उसके जरिए हम सरकार का सारा माल इस मुट्ठी में बंद कर लेंगे। दादी माँ, कभी कभी तो लगता है भगवान भी धनवानों की तरह गरीबों का साथ नहीं देता। क्यों बेटे, ऐसे क्यों बोल रहा है? और क्या बोलूं दादी माँ, उसने हमसे हमारा गोविंद हमेशा के लिए छीन लिया। मेरा गोविंद? हाँ दादी माँ, वहां पहुंचते ही उसने दिन रात लोगों की सेवा शुरू कर दी। एक मिनट ना आराम करता था न सोता था, अचानक उसे कॉलेरा हो गया और वो कॉलेरा गोविंद को मौत की नींद सुलाकर चला गया। दादी माँ, मेरा बच्चा सो गया, मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती थी। वो गुंगा था ना, सोचती थी जिंदगी कैसे गुजारेगा, मैं मर गई तो उसका क्या होगा, ये बुढ़िया रह गई और वो जवानी में चला गया। मगर मुझे उसकी मौत पर बड़ा गर्व है कि मरते हुए लोगों को जिंदगी देते देते वो मर गया। ये बुढ़िया जिसके बुढ़ापे से कमर झुका दी, उसके पोते ने सारे गांव में उसका सर ऊंचा कर दिया। बेटी बेटी, तुझे याद है मैंने सावित्री से कहा था मेरे 100 बेटे होते तो उसके एक बेटे पर कुर्बान कर देती, मगर आज मेरे एक पोते ने मेरे 100 बेटों का काम कर दिया है। वो मरा थोड़ी है, वो मरा नहीं, वो अमर हो गया है। मेरा बेटा अमर हो गया है, मेरा बेटा अमर हो गया है, मेरा बेटा अमर हो गया है। रेखा, दादी माँ ने सच्ची कहा है, गोविंद वाकई अमर हो गया, हमारे दिलों में हमेशा के लिए अपनी यादें छोड़ गया, और उसकी ये बूढ़ी दादी माँ तो देवी है। भगवान अगर इस संसार में अवतार लेकर आएगा तो दादी माँ जैसी औरत के चरण छूने में उसे गर्व महसूस होगा। लेकिन चंपा का क्या होगा, गोविंद तो उसकी जिंदगी था, वो ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? चंपा, 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 चंपा।